हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन और दोस्तों जो विधवा पेंशन होती है उसकी जो आप जब रिक्वेस्ट किस तरह से भेजोगे, तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, तभी इस वीडियो की पूरी जानकारी वो मिल पाएगी। तो सबसे पहले आ चुके हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम 3 डॉट पर आएंगे और 3 डॉट पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको जाना होगा आवेदन लॉगिन पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन है वो इसको फिल करने होंगे, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर जो हमारा एक पेंशन है, कौन सी पेंशन है वो हम देख लेंगे इसमें से, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन की आपको ये KYC करनी है और रिक्वेस्ट भेजनी है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके बाद जो मोबाइल नंबर फिल करना होगा जो भी आपकी पेंशन में रजिस्टर है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हमें सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मैं इस डाटा को फिल कर लेता हूँ एक बार। दोस्तों मैंने इस डाटा को फिल कर लिया है। फिल करने के बाद आपको जाना होगा सेंड OTP पर। तो जैसे मैं सेंड OTP क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन खुल कर आएंगे, ठीक है दोस्तों। जो हमारा मोबाइल नंबर है रजिस्टर, उस पर 6 डिजिट का एक OTP जाएगा, उसको हमें यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद लॉगिन होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर OTP के लिए मोबाइल नंबर पर भेजा था जैसे स्टेप को, तो आपको यहाँ पर इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये एरर है वो किस तरह से सॉल्व होगा वो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आपके द्वारा भरा गया विवरण उपरोक्त पेंशन योजना में उपलब्ध नहीं है, कृपया सही भरें। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों, कब आपका ये किस तरह से लॉगिन होगा, क्या साइड नहीं चल रही है या कोई ये इशू है? तो दोस्तों इसका मतलब क्या है मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले दोस्तों ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि आपकी पेंशन में जो मोबाइल नंबर है दोस्तों वो इसमें रजिस्टर नहीं है। इस मोबाइल नंबर को आपको दोबारा से फिल करना होगा एक बार, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मोबाइल नंबर रजिस्टर किस तरह से करेंगे, वो नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना होगा, और स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पहले से रजिस्टर आवेदक अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ स्टेप हैं वो फॉलो करने होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर पेंशन को सेलेक्ट करना होगा, और जो अकाउंट नंबर को जो भी आपकी पेंशन में लगा हुआ है, उसके बाद जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी पेंशन का, और उसके बाद जो नया मोबाइल नंबर, ठीक है दोस्तों। इसको डाटा को फिल करता हूँ एक बार फिर से मैं। दोस्तों मैंने इस डाटा को फिल किया, फिल करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस जो नया मोबाइल नंबर है इस तरह से देख सकते हो आप, जो मोबाइल नंबर मैंने लगाया है उस पर एक बार OTP जाएगा, और OTP दोस्तों आ चुका है मेरे फ़ोन पर। और आने के बाद यहाँ पर मैं इसको फिल करूँगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने OTP को फिल कर लिया है, और इस कैप्चा कोड को भी इसमें फिल कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद इस तरह से कुछ ऑप्शन आपके सामने आएगा। तो दोस्तों जैसे हमारा मोबाइल नंबर है जो हमने अभी रजिस्टर किया था वो अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर लिखा हुआ है योर मोबाइल नंबर इज अपडेट सक्सेसफुल टू एप्लीकेशन। तो दोस्तों अब हम दोबारा से लॉगिन करते हैं तो वो प्रॉब्लम अभी आ रही थी वो अब नहीं आने वाली है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद हम रिक्वेस्ट को भेजेंगे। दोस्तों दोबारा से हमको फिल करना होगा रिक्वेस्ट के लिए। तो सेंड OTP पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं वीडियो फेक नहीं बना रहा हूँ, और आप देख सकते हो बिल्कुल दोबारा से यहाँ पर है वो OTP अब जा चुका है। वो पुराना वाला जो मैसेज शो हो रहा था यहाँ पर वो अब नहीं आ रहा है, और OTP अब मेरे फ़ोन पर भी आ चुका है इस वाले नंबर पर, ठीक है। तो दोबारा से हम इसमें फिल करके लॉगिन करते हैं एक बार। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पर OTP को फिल किया, फिल करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ एक बार, ठीक है दोस्तों। जैसे ही मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हो दोस्तों जो मेरा रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पर ऑप्शन है वो खुलकर आ गया है। तो और इस तरह से आप अपनी रिक्वेस्ट है वो भेज सकते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट को बहुत आसान तरीके से आपको भेजना होगा, कहीं आपकी कोई गलती ना हो जाए। दोस्तों रिक्वेस्ट आप जब भी भेजेंगे आपको आधार कार्ड से अपना मैच है वो पेंशन से चेक करेंगे, पेंशन में कुछ और तो नहीं है, और जो आधार कार्ड में कुछ और तो नहीं है। यहाँ पर आपको आधार कार्ड के हिसाब से ही आपको जो नाम है वो फिल करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आधार कार्ड में हमारा कुछ चेंज है और इसमें कुछ चेंज है, तो हम अभी इसमें अपडेट कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जो हमारे नाम में कुछ प्रॉब्लम थी वो मैंने अब ठीक कर दी है, क्योंकि यहाँ पर सींग नहीं लगा हुआ था। और इसके बाद आपको यहाँ पर मेल है तो मेल पे क्लिक करना होगा, और फीमेल है तो फीमेल, ठीक है दोस्तों, और अदर पे तो अदर, ठीक है। और जैसे कि मैं मेल पे क्लिक किया और यहाँ पर सबमिट पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और आपको फिर ओके पर क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आपको जो रिक्वेस्ट है दोस्तों वो भेज दी जाती है, और यहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है देख सकते हैं आधार प्रमाणीकरण के लिए आपका नाम और लिंक पर बटन अनुरोध जिला लॉगिन पर लंबे बताए, ठीक है दोस्तों। आपको जो रिक्वेस्ट है दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर में आपको रिक्वेस्ट वापस मिल जाएगी आपको मैसेज के द्वारा, आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा दोस्तों। आगे की प्रक्रिया में मैसेज आने के बाद बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।